जस्ट ए मोमेंट फॉर मी, मेरे को बस लग रहा था मैं इससे कहीं भाग जाऊं, मैं कुछ कर लूं। मेरे को लगा कि यार ये राउंड तो गया मेरे से। इसी सेम डे मेरे को लिंक्डइन पे एक गूगल के रिक्रूटर ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया था एंड सडनली आफ्टर 2-3 months आई गॉट ए लेटर कि अभी SD1 के लिए अमेजोन में हायरिंग बंद हो गई है ड्यू टू ऑफ हैशटैग रिसेशन। नाउ द टाइम टू रिवील माई कंपनी। सो आई प्लेस्ड इन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल्सो फॉर दोज हु आर कमिंग ऑन माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, वेलकम हियर। आई एम सत्यम ज्योत्सना गार्गी, अ फोर्थ ईयर अंडर ग्रेड फ्रॉम NIT के। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई प्लेसमेंट, अबाउट माई इंटर्नशिप, अबाउट द मिस्टेक विच आई डिड ड्यूरिंग माई प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप, अबाउट द प्लेसमेंट सिनेरियो एट NIT एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड ऑल्सो गोइंग टू रिवील माई कंपनी। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। बट वेट, क्या मेरी प्लेसमेंट की कहानी प्लेसमेंट के 1-2 महीने पहले से शुरू हुई थी? नॉट एट ऑल। मेरी प्लेसमेंट की कहानी शुरू हुई थी मेरे इंटर्नशिप के टाइम से। सो आई थिंक जो लोग भी लिंक्डइन से आए होंगे या फिर इंस्टाग्राम से आए होंगे, यू गाइस ऑलरेडी नो दैट आई इंटर्न एट माइक्रोसॉफ्ट। तो मे बी बहुत लोगों ने सोच लिया था कि मे बी आई गेट प्लेस्ड एट माइक्रोसॉफ्ट, मे बी मेरे को वहाँ PPO मिल गया। बट क्या ऐसा हुआ था? टू नो ऑल अबाउट दिस यू हैव टू कंटिन्यू दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। लाइक 2021 के मार्च अप्रैल के टाइम पे थ्रू इंगेज प्रोग्राम आई गेट इन टू माइक्रोसॉफ्ट। इट्स मोर लाइक ऑफ ऑन कैंपस एक्सपीरियंस बिकॉज आई हैव गिव वन इंटरव्यू ऑफ कैंपस एंड अदर इंटरव्यू मेरे कॉलेज में हुआ एंड आफ्टरवर्ड्स पूरे 1 साल के लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा। लाइक हाँ, मैंने 1-2 डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट पे काम किया था बट DSA तो आई डेंट इवन टच DSA फॉर द होल ईयर। इट्स ऑल्सो बिकॉज मेरे इंटर्नशिप का ऑफर लेटर में लिखा था नो प्रियोर नॉलेज रिक्वायर्ड। मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था। इट्स वन ऑफ माई मिस्टेक। मैं आपको एंड में बताऊंगी मैंने क्या क्या मिस्टेक किए। मेरी 9th of May से इंटर्नशिप स्टार्ट हुई। एवरीथिंग वॉज गोइंग लाइक प्रिटी वेल। इन द फर्स्ट वीक में मेरे को पहले क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम दिया गया। फर्स्ट 2 वीक में मेरे को डॉकर सीखना था, Kubernetes सीखना था, एक ऐप डिप्लॉय करना था Azure AWS पे, और भी कुछ कुछ ऐसे ही काम दिए गए स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 वीक। एंड उसके बाद फिर मेरे को टेस्टिंग पे स्विच कर दिया गया। बट वेट, इतना ईजी ब्रीजी नहीं था मेरा इंटर्नशिप। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। 9th May से मेरी इंटर्नशिप शुरू हुई। ऑन 22nd May आई हैड ए मेजर हार्ट ब्रेक। लाइक आई वॉज विद अ पर्सन फ्रॉम लास्ट 3 years एंड इट डेंट वर्क आउट। आई डोंट वॉन्ट टू टेल यू द एक्चुअल रीजन बट या आई वेंट थ्रू अ वेरी बैड फेज ऑफ माई लाइफ एट दैट टाइम। यू कैन से लाइक एक तरफ इंटर्नशिप के काम का प्रेशर, दूसरी तरफ आई वॉज क्राइंग। लाइक इट वॉज जस्ट ए मोमेंट फॉर मी, मेरे को बस लग रहा था मैं इससे कहीं भाग जाऊँ, मैं कुछ कर लूँ। लाइक आई वॉज क्राइंग एवरी सिंगल डे आफ्टर 22nd May। लाइक एवरी सिंगल डे आई नो आई वॉज मैड, आई नो आई डोंट हैव टू अटैच दैट मच विथ एनी पर्सन। लाइक यू हैव टू कीप योर ओन सैनिटी बट आई नो आई डिड रॉन्ग। मेरे पास उसमें कुछ था नहीं। सो मेरे इंटर्नशिप के टाइम में क्या होता था, डेली स्क्रम होता था। आपको डेली बताना होता था पिछले 24 घंटे में क्या किया हो, और आप क्या बताओगे जाकर के क्या पिछले 24 घंटे में रोए हो? यू डोंट हैव टू डू दैट। सिचुएशन मेरा ऐसा हो गया था लाइक ऑलमोस्ट डेली काम के लिए भी लैपटॉप खोलती थी, आई वॉज क्राइंग एंड आई वॉज वर्किंग। उस समय बेयरली मैं 3-4 घंटे ही सोती थी, मेरे को भूख भी नहीं लगती थी। लाइक दैट वॉज अ वेरी बैड सिचुएशन। इफ समवन हु आर वॉचिंग मी, अगर आप लोग कभी ऐसे हार्ट ब्रेक से गए होगे, आई नो यू गाइस कैन रिलेट मोर विथ मी। बट ठीक है, टाइम किसी तरह पास हुआ। मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी सो मेरे पास मेरी फैमिली का भी सपोर्ट था बिकॉज माई फैमिली इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। माई मॉम, माई सिस्टर, दे रियली हेल्प मी अ लॉट इन गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। बट स्टिल 3 साल का था तो इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होने वाला था। लाइक आई एम काइंड ऑफ वेरी इमोशनल पर्सन, दैट्स वाई आई थिंक आई हैव वेंट थ्रू अ लॉट। बट ठीक है, इट डजंट मैटर, इट्स लाइफ एंड यू हैव टू फेस सच एक्सपीरियंस, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बट मेरा इंटर्नशिप खत्म हुआ एंड आई रियली वर्क हार्ड इन माई इंटर्नशिप। लाइक मेरे मैनेजर, मेरे मेंटर, दे आर वेरी हैप्पी विथ मी। इवन माई मैनेजर वॉन्ट मी इन टू हिज टीम। बट जैसे मेरा इंटर्नशिप खत्म हुआ, उसके 5-10 दिन बाद सबको मेल आने लगे लाइक समवन गॉट द PPO, समवन डिडंट गेट द PPO। मेरे को ऐसा कोई मेल नहीं आया, इंटर्नशिप से PPO नहीं आया था। मेरे कॉलेज की भी प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई थी एंड अगर कॉलेज की प्लेसमेंट बैठना है तो आपको DSA बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैंने आपको बताया मैंने पूरे 1 साल DSA छोड़ रखा था। सो बस लाइक ठीक है, जो होना होगा होगा। नाउ आई हैव टू सिट इन द प्लेसमेंट एंड मेरे को प्लेसमेंट क्लियर करना है। फिर सडनली वन डे आई गॉट द मेल दैट आई डेंट गेट द PPO। मे बी उस समय रिसेशन आ गया था, क्या हो गया था, आई हैव नो आइडिया। आई इवन मैसेज माई मैनेजर दैट सर लाइक यू टोल्ड मी दैट यू वॉन्ट मी इन द टीम, देन वॉट हैपेंड?
देन ही इज लाइक आई डोंट नो आई रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड बट कुछ यू आई टीम में हुआ होगा. सो यू आई टीम इज बेसिकली लाइक माइक्रोसॉफ्ट में आप जो काम करते हो आपको उस काम के बेसिस पे नहीं लिया जाता है. वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटर्नशिप के बाद इंटरव्यू भी होता है. लाइक बहुत का होता है बहुत का नहीं होता है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर टीम ऑन योर मैनेजर. आप ऐसा नहीं कह सकते हो किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो उसका इंटरव्यू नहीं होगा. बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जो बहुत अच्छा काम किए थे स्टिल उनका इंटरव्यू हुआ. सो या एट दैट टाइम आई वाजंट प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू बट स्टिल आई गेव द इंटरव्यू एंड इट वेंट नॉट रियली वेल बट ठीक ठाक गया था. लाइक मेरे से दो क्वेश्चन पूछा था, मैंने एक तो पूरा सॉल्व कर दिया था. जो सेकंड पूछा था उसका मैंने एक्सप्लेन किया था, आई डिडंट कोड, इवन टाइम खत्म हो गया था, दैट पर्सन डिडंट इवन टेल मी टू कोड दैट क्वेश्चन. सो आई वाज लाइक फाइन, लाइक इंटर्नशिप में मैंने बहुत अच्छा काम किया है, ये थोड़ा ठीक ठाक गया, मे बी आई गेट द पीपीओ बट आई डिडंट गेट. सो या दैट वाज द इंटर्नशिप एक्सपीरियंस. नाउ एक चैप्टर क्लोज हुआ एंड आई थिंक दैट कि यार इंटर्नशिप के टाइम में आई ऑलरेडी फेस्ड अ लॉट प्रॉब्लम, अब तो मेरी खत्म होगी. लाइक अब तो एटलीस्ट एक मेरे को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मिलेगा बिकॉज इंटर्नशिप का टाइम वॉज रियली हेल्प फॉर मी. बट नहीं, लाइफ इतनी आसान नहीं होती है. इसके बाद फिर आया प्लेसमेंट. अब लाइक ठीक है, पीपीओ ने मिला, मेरे को प्लेसमेंट बैठना है, अब मेरे को प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करनी है. और चीज़ क्या हो गई थी, इससे मेरा कॉलेज भी खुल गया था. सो कॉलेज क्लासेस अटेंडेंस ब्ला ब्ला लॉट ऑफ थिंग्स केम इन टू द सीन एंड ऑल्सो नाउ इन कॉलेज आई हैव टू फेस द सेम पर्सन हु डिड ऑल दैट विथ मी. इज इट ईजी फॉर मी, क्योंकि घर पे थे तब आपके पास आपका फैमिली का सपोर्ट था, यहाँ आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है. वेल आई थिंक लाइफ इज चैलेंजिंग मी एट दैट टाइम एंड आई टुक दैट चैलेंज इन माई हैंड कि ठीक है देखते हैं क्या होता है. आई सिट इन द प्लेसमेंट, लाइक रियली आई स्टडीड हार्ड एट दैट टाइम, लाइक डेली यू कैन से 24 आवर्स में मेरा खाना पीना नहाना ये सब छोड़ दो तो आई वॉज स्टडिंग इन माई रूम. लाइक आई डोंट इवन वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ माई रूम बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. इफ यू नो यू नो. बट ठीक है, दैट्स ऑल्सो ए हार्ड टाइम फॉर मी बट इट्स ऑल्सो टीचिंग मी समथिंग. इट्स टीचिंग मी हाउ टू वर्क हार्ड इवन सिचुएशंस आर नॉट गुड. इवन आई एम क्राइंग इन द मॉर्निंग आई हैव टू स्टडी एट नाइट बिकॉज एट दैट टाइम आई हैव नो ऑप्शन. सो ऐसे ही करते करते मेरा प्लेसमेंट हुआ. मेरी प्लेसमेंट लगी थी 25th अगस्त को एंड प्लेसमेंट भी मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ. डू यू गाइस वॉन्ट टू नो? सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. मैं बहुत सारी कंपनी के पेपर दे रही थी, लाइक मैंने 15-20 कंपनीज के पेपर दिए होंगे. आई वॉज देन शॉर्ट लिस्टेड. सो जो मैं पहली कंपनी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई थी दैट वॉज इंटुइट. अरे इंटुइट में पहले ही मेरे को बोला कि आपका पहला राउंड कंप्यूटर नेटवर्क से होगा. मेरा कंप्यूटर नेटवर्क हिला हुआ था क्योंकि आई एम फ्रॉम ईसी एंड मैंने बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया था. सो आई एम लाइक ठीक है, उसमें पहले ही राउंड से निकल गए. अब मेरे को लगा कि यार कंप्यूटर नेटवर्क मेरे को स्ट्रांग करना होगा नहीं तो मेरा प्लेसमेंट तो कहीं अच्छे जगह पर नहीं होने वाला. ये बस 4-5 दिन बचा हुआ था, गेट्स में असर उठाया, वो इस पूरा खत्म कर दिया. लाइक लिटरली उस समय ऐसे 15-16 घंटे पढ़ के मैंने अपना वो वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग किया. उसके बाद सेकंड कंपनी जिसमें मेरा प्लेसमेंट हुआ उसकी भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो मैं फर्स्ट राउंड के लिए गई. इंटरव्यूअर वॉज रियली चिल. सो पहले राउंड में मेरे से इंटरव्यूअर पूछता है यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मेरा रिज्यूमे देख के हम बोले येस एंड दैट पर्सन वॉज ऑल्सो फ्रॉम electrical department. So it's like I can relate with you more because I can understand your situation. When I was at your time I wasn't have this much knowledge what you have blah blah and all. I'm like fine, ye round to sahi ja raha hai. Then that person asked me okay on what topic you want me to ask question. I'm like linked list. Then like second topic I'm like trees. Like third topic I'm like arrays. Because I know that person want ki main DP bolu graph bolu but I'm like meko to सेफ प्ले करना है. बट ठीक है, फर्स्ट राउंड वाज रियली चिल एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि इसमें तो मेरे को सेकंड राउंड में मैं जा रही हूँ. सेकंड राउंड में गई एंड सेकंड राउंड स्क्रूड मी अप मैन. दैट पर्सन वाज सम सीनियर मैनेजर वर्किंग इन दैट कंपनी फ्रॉम 15-16 इयर्स एंड दैट गाय लाइक लिटरली आस्क्ड 50 क्वेश्चन फ्रॉम मी. लाइक मैंने लाइफ में जितना पढ़ा था वो मेरे से सब पूछ लिया. पहले तो स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन दिया लाइक कोडिंग का एंड इट वॉज मीडियम लीड कोड क्वेश्चन, वो दोनों मैंने कर दिया. उसके बाद फिर वो मेरे को ग्रिल करना स्टार्ट किया. दैट पर्सन इवन आस्क मी क्वेश्चन फ्रॉम लो लेवल डिजाइन. अब मेरे को नहीं आता था. लाइक 50 में मैंने 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे ही बोले हुए कि लाइक मेरे को नहीं आता है बट बहुत सारे क्वेश्चन पूछे. ऐसा सिचुएशन है, इसमें ऐसा एग्जाम्पल बताओ, ये बताओ, वो बताओ, कंप्यूटर नेटवर्क से बताओ, वो इससे क्वेश्चन बताओ, डीबीएमएस से क्वेश्चन बताओ, ये वो दिस दैट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. मेरे को लगा कि यार ये राउंड तो गया मेरे से क्योंकि मैंने लिटरली 50 में 15 क्वेश्चन बोला था कि आई डोंट नो, लाइक आई डिडंट स्टडी दिस बिफोर. बट उसके अलावा मैंने जितना आंसर दिया आई आंसर्ड ऑल ऑफ देम लाइक वेरी कॉन्फिडेंटली एंड या मोस्ट ऑफ देम वॉज राइट एज वेल. बट स्टिल मेरे को लगा था मेरा नहीं होने वाला है क्योंकि जिस पैनल में मैं थी उसमें 5 बंदे थे, 4 लड़के थे, बाकी सारे सीएसआईटी के थे एंड आई वाज द सिंगल गर्ल इन दैट पैनल. तब मेरे को लगा कि यार उस 5 या 6 में इसको 4 या 5 चूज करना मेरे को तो नहीं लेके जाने वाला है किसी भी कंडीशन में. फिर उसके बाद थर्ड राउंड का रिजल्ट आया
एंड आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर थर्ड राउंड. लाइक मैं लिटरली इस पॉइंट पे इमेजिन नहीं की थी कि ऐसा होगा, बट ठीक है मैं थर्ड राउंड में गई. थर्ड राउंड वॉज HR राउंड. HR इज लाइक कि चलो ठीक है तुमने बाकी पिछले राउंड में काफी अच्छा किया है, सो दिस राउंड इज गोइंग टू बिचिन. सो नॉर्मली ही सब आंसर करना. सो वो भी मेरे से कुछ कुछ क्वेश्चन लाइक ऐसे गूगल ऑप्टिमाइजेशन पे समथिंग भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया. सो एक क्वेश्चन पूछा दैट इज रिलेटेड फ्रॉम गूगल ऑप्टिमाइजेशन और समथिंग, मेरे को समझ नहीं आ रहा था. इट वाज लाइक सर कैन यू गिव मी एग्जांपल. देन ही टोल्ड की लाइक ओके मैं देता हूँ. सो ही इज लाइक ओके इफ आई टाइप सत्यम ज्योत्सना गार्गी ऑन गूगल देन ऑब्वियसली तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो NIT के से होंगे जो आएंगे. यू आर नॉट द यूनिक वन राइट, बट आई कैन नॉट इवन टेल यू व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम. Like that person literally typed my name on Google, like Shatyam Jyotsna Gargi NIT ke, and then mera LinkedIn, mera YouTube sab khul gaya, and I was like man main kitna cringe kar rakha hai wahan par, like kyun mereko video hide karna hai. I was in that situation ki sara kiye karaye pe pani phir gaya. Like ye insaan kahega ki ye college ke alawa pata nahi kya kya karti hai, kaise office mein kaam karegi. Like already maine Amazon ka scene dekh rakha tha ki how they behave with content creators, so I was really scared. But theek hai, it's okay. Like जो HR round लेने आए थे जो manager थे, that person was really cool. That person actually appreciated me. Like very few person who work on their hobbies and you are one of them. Like I really want you to be in my company. The energy you have, it really matched our company. We want to blah blah and all. Like he told a lot of good things. And I was like, okay, maybe this company meant for me. So in this way, मेरा placement हुआ. प्लेसमेंट के पहले भी काफी कुछ हुआ, उससे पहले भी काफी सारे इनसाइट है जो मैंने आपको नहीं बताया. सो जिस दिन मेरे को ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का लग गया था कि यहाँ से मेरे को पीपीओ नहीं मिलने वाला है, जिस दिन आया था लाइक यू आर नॉट गेटिंग द पीपीओ, इसी सेम डे मेरे को लिंक्डइन पे एक गूगल के रिक्रूटर ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया था लाइक गार्गी डू यू अप फॉर द इंटरव्यू, लाइक आई रियली लाइक यूर प्रोफाइल एंड आई एम लाइक येस वाई नॉट. बट एक्चुअली हुआ क्या था कि एट दैट टाइम आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड. बट ठीक है अब गूगल का इंटरव्यू देने का ऑफर आया तो छोड़ता कौन है. सो मैं गई, मेरा इंटरव्यू हुआ, आई वाज लाइक मैं सेकंड राउंड तक गई थी, उसके बाद आई वॉज आउट. सो आई नो कि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट गूगल वाला इंटरव्यू एट दैट टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पूरे एक साल से DSA नहीं कर रखा था. उन्होंने क्वेश्चन ऐसा कुछ पहाड़ टाइप नहीं पूछा था, जो भी क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछा था बोथ द क्वेश्चन आर फ्रॉम DP. और अगर आप आदित्य वर्मा का सीट या फिर आप आदित्य वर्मा की वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से किए हुए हो देन आपसे वो क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाता. इट्स जस्ट लाइक कि उसी के टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था. सो ठीक है वो नहीं हुआ. बट उसके बाद प्लेसमेंट के बीच में ही मैंने अमेजोन का भी एक फॉर्म भरा था, उसका भी मैंने इंटरव्यू दिया था. एंड काफी सारे इंटरव्यू देने के बाद मैंने देखा कि उधर से कोई भी रिप्लाई आना बंद हो गया. एंड सडनली आफ्टर 2-3 मंथ्स आई गॉट ए लेटर कि अभी SD1 के लिए अमेजोन में हायरिंग बंद हो गई है ड्यू टू ऑफ हैशटैग रिसेशन. आई एम लाइक ठीक है ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है. लाइफ ऑलरेडी गेव मी अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस दिस ईयर एंड दिस वॉज वन ऑफ देम. नाउ द टाइम टू रिवील माई कंपनी. सो आई प्लेस्ड इन वॉलमार्ट एज SD2. वेट मैंने गलत बोला क्या? SD2 ST1? No guys, it's SD2 and I don't know why SD2. Walmart came in our college for SD2 profile and मैं बिना SD1 पे काम किया directly get into SD2 का role. So yeah, this was my journey. Although I know I did a lot of mistake during this whole internship and placement. सबसे पहली गलती जैसे ही मुझे internship मिली थी I completely lost my touch with the DSA क्योंकि मैं complete content creation पे focus हो गई थी, like video editing सीखना, content writing सीखना. And second mistake was during my internship and placement I stopped creating content because मेरे को लगा कि मैं उधर काम करूंगी तो मैं इधर ध्यान नहीं दे पाऊंगी. That was one of my mistake. मेरे को वो नहीं करना चाहिए था, कुछ ना कुछ आई हैव टू कीप इन टच क्योंकि जैसे ही मेरा वो आदत छूटा फॉर ऑलमोस्ट 6 मंथ मैंने कंटेंट क्रिएशन के स्पेस से ही मैं चली गई, फिर मुझे आने का मन नहीं कर रहा था. एंड द थर्ड मिस्टेक वाज. सो हाय, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय फिजिक्स बल्ला. सो यू गाइज आर स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर JEE राइट एंड आपके बैकलॉग्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए और आपका एग्जाम अप्रैल में होने वाला है. नथिंग टू वरी, फिजिक्स वाला लेकर के आया है आपके लिए नया क्रैश कोर्स जहाँ पे आपकी JEE की तैयारी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों की कराई जाएगी. एंड ये बैच स्टार्ट हो गया 5 जनवरी से. इसकी प्राइसिंग 1799 है. सो यस, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस कोर्स यू कैन गो इन माई डिस्क्रिप्शन, देयर इज अ लिंक, आप क्लिक करें आप इसके बारे में और जाकर जान सकते हैं. एंड इफ यू आर गोइंग टू परचेज दिस कोर्स देन यूज माई कूपन कोड, यू गेट इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 150. एंड द थर्ड मिस्टेक वॉज वाई आई क्राइड अ लॉट during my internship just because of a boy. Like really, does a guy is more important than me? Not at all. So at this point I'm going to complete this video. If you like the video, hit the like button, you can subscribe if you want me, if you want to like more. So yeah, milte aapse next time.
it's all I-